नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टूल्स एंड टेक्निक में। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है, साइड इंडिकेटर बजर के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि साइड इंडिकेटर बजर बहुत काम आता है। कई बार क्या होता है कि हमने किसी मोड़ पे अपना इंडिकेटर ऑन किया और बाद में हम भूल जाते हैं और हमारा इंडिकेटर शुरू चालू ही रह जाता है, तो जिससे जो पीछे आता है उसे ऐसा लगता है कि गाड़ी अभी मुड़ने वाली है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता और हमें वहाँ पे मुड़ना ही नहीं होता। तो इसके लिए अगर उसमें बजर लगा हुआ होता है तो हमें पता चलता है कि मेरा साइड इंडिकेटर चालू है। इसके अलावा भी साइड इंडिकेटर बजर अगर हम ऐसी जगह से जा रहे हैं कि जहाँ पे किसी को हमारी जो साइड इंडिकेटर है वो दिखाई ना दे या वो देख ना सके, तो उसे आवाज़ के ज़रिए भी ये पता चल सकता है कि ये गाड़ी है वो अभी आगे से मुड़ने वाली है, तो इसीलिए हम गाड़ी में साइड इंडिकेटर बजर हमें लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने गाड़ी में साइड इंडिकेटर बजर के लिए साइड इंडिकेटर फ्लैशर को ढूंढिए। ये आप जो देख रहे हैं इसे साइड इंडिकेटर फ्लैशर कहते हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी में ये कहाँ पे है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसमें आप देख सकते हैं दो पॉइंट होते हैं, एक बी और एक एल, जिसमें हमें ये जो बी है उसमें हमें रेड वाली तार लगानी है, ये वाली प्लस, और जो एल है इसमें हमें माइनस वाली यानी ग्राउंड वाली ब्लैक कलर की तार लगानी है। तो यह ध्यान रखें इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन जो आपका फ्लैशर है उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिखा होगा, बी और एल लिखा होगा। वैसे तो ये काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन इसके जो दोनों तार है उसे आप एक बार ध्यान से चेक करके लगाइए, वरना ये आपका बजर ख़राब भी हो सकता है और फ्लैशर भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आप बी में अपना प्लस वाला और एल में अपना माइनस वाला तार लगा के फ्लैशर को वापस से अपने सॉकेट में लगा देंगे, और उसके बाद हम फ्लैशर को जहाँ से निकाला था वहीं पे वापस लगा देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं डबल साइड टेप लगा हुआ है, इसे हम बैटरी से चिपका देंगे जिससे हमारा बजर है वो हिले डुले नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे वापस लगा देता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ। तो मैंने फ्लैशर को वापस अपनी जगह लगा दिया है, आप देख सकते हैं इसके ये दोनों तार हैं, और मैंने बजर को भी बैटरी के ऊपर चिपका दिया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। धन्यवाद।